नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, मैं एक्टिंग के बारे में या उसके साथ के जो भी सब्जेक्ट होते उस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ और बहुत लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपको कुछ गाइडेंस मिलता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, आपकी सेवा। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर कीजिए और लाइक्स भी कीजिए। लाइक्स करने से क्या होता है, मुझे तो मोटिवेशन मिलता है ना। बहुत से लोगों ने कहा है कि सर आपके वीडियोस से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो आप लोग लाइक्स ज़रूर करिए, आपको जो अच्छा नहीं लगे वो भी लिखिए और शेयर भी कीजिए। और जो चीज़ आपको चाहिए, जो जिस विषय पे आपको सब वीडियो चाहिए वो भी बताइए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है वो आठ क्वालिटीज़ जो कि स्टार के लिए ज़रूरी है, स्टार बनने के लिए ज़रूरी है और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। वो क्वालिटीज़ क्या है मैं इस वीडियो में बताऊँ। दोस्तों, ये आठ रूल्स ये है कि पहला रूल है कीप लर्निंग। एक्टर इज ऑलवेज ऑन लर्निंग, एक्टर इज ऑलवेज ए स्टूडेंट। एक्टर को हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए, जो सीखने मिला वो सब सीखना चाहिए। तो दोस्तों, पहला रूल है कीप लर्निंग। दूसरा रूल है विल पावर और कॉन्फिडेंस। विल पावर और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है एक्टर में, क्योंकि वो सामने वाले से कोई भी कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, उससे अगर डर जाएगा तो उसकी छाया में आ जाएगा, तो वो एक्टिंग कर नहीं पाएगा, कुछ डायलॉग्स बोल नहीं पाएगा और कॉन्शियस हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला है कीप लर्निंग, यानी सीखते रहिए, जो भी मिला सीखते रहिए, नई नई बातें जो भी सीखने मिली, कुछ अच्छी टेक्निक सीखने मिली, कुछ कैमरा के बारे में, कुछ एंगल्स के बारे में, कुछ जो भी मिले वो सीखते रहिए। तो दोस्तों, सेकंड है विल पावर, यानी कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि आप अपने कैरेक्टर में घुस जाओगे, वो सामने वाला कोई भी हो, कितना बड़ा भी आर्टिस्ट हो, लेकिन आप उससे काम करके दिखाओगे। थर्ड है हार्ड वर्क से भागो नहीं। थर्ड, हार्ड वर्क जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी कंपटीशन से आप हार्ड वर्क करोगे, जितना भी हार्ड वर्क करोगे वही आपके काम आएगा। क्योंकि हार्ड वर्क से भाग के रहोगे, अरे यार वहाँ पे तो ये होता है, ये बहानेबाजी छोड़ दो, लग जाओ और तन तोड़ मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सब अनुभव भी मिलेगी और आप डरोगे नहीं कहीं भी, और ऑडिशंस में या जो भी किस चीज़ के लिए जाओगे आप सक्सेसफुल हो जाओ। फोर्थ है ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। स्टूडेंट बन के ही रहो, भले आपके सामने कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी हो, आपसे कम उम्र वाला हो या कुछ नई बातें बताता है, तो सुनिए, क्योंकि वो आगे चल के आपको काम आएगी। अभी वो डायरेक्टर है तो अपने हिसाब से वो डायरेक्शन देगा, तो वो अगर कुछ चाहता है कि इस एंगल से या उस एंगल से, तो वो स्टूडेंट बन के आप सीखिए। वो अभी वहाँ पे तो आपको उसका ही मानना है, डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ शिप, तो वही पे आपको मानना है, उसी का मानना है, वो जो बोलता है वो भी सीखिए, आगे शायद आपको काम आ सकता है। तो फोर्थ है ऑलवेज बी ए स्टूडेंट और नेवर गिव अप। गोल के पीछे पड़े रहो, नेवर गिव अप, गोल के पीछे पड़े रहो। नेवर गिव अप यानी जो गोल आपने सही आपने माइंड में रखा है कि मुझे ये बनना है, कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, हीरो बनना है या विलन बनना है या म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या तो डायरेक्टर बनना है या तो जो भी कुछ बनना है, वो गोल के पीछे पड़े रहो, हमेशा से पड़े रहो और उसके पीछे इतनी मेहनत करो कि गोल आप सिद्ध कर पाओ, आप जीत पाओ और आपको वो गोल प्राप्त हो। दोस्तों, गोल के पीछे पड़ना बहुत ज़रूरी है, वो आपका एम होना चाहिए। हर घड़ी और हर पल आपको उसके बारे में ही सोचना है। गोल आपका क्या है वो नज़र में रखिए, गोल हमेशा आपकी नज़र में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, वहाँ से भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये लाइन ऐसी है, उसमें बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग वाले भी आएंगे, नेगेटिव बातें कहेंगे, अरे वहाँ पे तो ये होता है, लेकिन आप अपना गोल हमेशा ऊपर रखिए, गोल को सिद्ध करिए और इतनी जिद्दी बनिए। अगर आप जिद्दी नहीं हो तो जिद्दी बनिए और वो गोल पाने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए, हर कोई कोशिश कीजिए, जो भी हो जाए आपको गोल पाना ही है। फेलियर तो लगा ही है, क्योंकि एक्टिंग के साथ फेलियर तो लगा ही, हर बाजू से आप रिजेक्शन हो जाओगे, ऑडिशन में सब बाजू से ना बोलेगा नहीं आप सही नहीं हो,
आप एक्टिंग बराबर नहीं कर सकते हो, क्या क्या सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त थे, वो आज तो टॉप के एक्टर बन गए, लेकिन जब वो पहली बार एक बहुत बड़ी कंपनी में सीरियल करने गए थे, जिसके कि बहुत से सीरियल आजकल चल रही है उसकी टीवी पे, बहुत बड़ा नाम भी है, तो मैं नाम नहीं लूँगा उस चैनल का भी और उस प्रोड्यूसर का भी। लेकिन वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत ही कंटिन्यू रोल था, तो पहले एपिसोड में तो इतना उनको सुनना पड़ा, इतना सुनना पड़ा, अरे तुम हीरो नहीं बन सकते हो, तुम ये नहीं बन पाओगे, तुम एक्टिंग कर ही नहीं पाते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम यहाँ हो। क्योंकि इस बार ये बात एक जानने लायक है कि जब आपको कोई बोलेगा तो दूसरे भी आपको देने आ जाएंगे, सीख देने आ जाएंगे, सभी लोग ये फ्री में ये देना है ना, तो कुछ भी। पर उसको तो 10 एपिसोड तक इतना सुनाया कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये भी हो जाता था कि यार मैं तो कुछ बन ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन 10 एपिसोड वो लगा रहा, 10 एपिसोड के बाद जो उसने काम उसमें सब जो भी मिलता गया, जो भी सुनते गया, उसमें वो अपने बदलाव लाते गया। 10वें एपिसोड के बाद जब ये शुरू हुआ, उसको डर सब निकल गया, सब क्या होगा, ज्यादा बोलेंगे, बस फिर तो वो ऐसी एक्टिंग हुई उससे, सब लोग जो बोलने वाले थे सब चुप हो गए, सब लोग बोलने लगे, अरे वाह क्या बात है, तुम्हारी तो एक्टिंग ऐसे निखर के आ गई, बहुत अच्छे। उसके बाद उसको दूसरी एपिसोड जो सीरियल थी उसमें भी काम मिला। तो दोस्तों ऐसा है, जिद्दीपना होना जरूरी है, तो जिद से ही आप आगे जाओगे। दोस्तों मेरी बातें ये याद रखना, चाहिए तो लिख के रखो, इसमें आपने शायद कुछ कमियां हो तो दूर कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।